डिप्लोमेटिकली करेक्ट इज नॉट बैड, दैट इज वन. क्यों? क्योंकि यू मस्ट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट. क्योंकि अगर हम करेक्ट नहीं है सामने वाले के साथ में, इन द सेंस कि जो भी हमारे मन में आ रहा है हम बोलते चले जा रहे हैं, तो वो रिलेशन कोई भी हो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता. क्योंकि हमारे मन में तो कुछ भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में जो भी आप सोचते हो जिसके भी बारे में, उस सबको टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए और वो पर्सन उसको देख ले, तो वो रिलेशन 2 दिन में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे. तो यू मस्ट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न. तभी कहते हैं बोलने से पहले 4 बार सोचो, लेकिन वही बोलो जो सामने वाले को अननेसेसरी हर्ट ना करे. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. नंबर 2, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब आप कहोगे 2 अलग अलग चीजें हैं. अलग अलग नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, आप फेक नहीं कर रहे हैं. मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है और उसको जाकर के बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो तुम बहुत पसंद हो. तो ये हो गया फेक करना, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है. डिप्लोमेटिकली करेक्ट मतलब क्या कि कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमको ना बोले. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको इस तरह से ना बोले, तो उस तरह से अगर आप उनको नहीं बोल रहे हो तो यू आर डिप्लोमेटिकली करेक्ट. बट मान लो आपको कोई पड़ोसी है और वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह पे जाकर के बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, तो ये क्या हो गया? ये आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं हो, आप फेक कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को, आप फेक कर रहे हो अपने थॉट्स को. अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अंदर हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, हमेशा हमें याद रखना पड़ता है, तो माइंड के ऊपर बर्डन आ जाता है कि हमें किसके साथ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, अब पिछली बार हमने उसको क्या बोला था. फिर एक के बाद देखना एक लूप बन जाता है, मतलब एक के बाद एक झूठ आपस में जुड़ते चले जाते हैं और वो सारे झूठ हमको याद रखने पड़ते हैं, और फिर वो एक तरह का बोझा होता है जो अपने सर पे उठा करके हमको घूमना होता है पूरी जिंदगी के लिए. तो कभी भी फेक मत करो, झूठ मत बोलो. इसका मतलब ये नहीं है जो भी मन में आया वो बोल दिया. जैसे अगर आपके मन में आ रहा है मेरे बारे में कुछ ऐसा उल्टा, मानो कि कितना घटिया आदमी है, वॉट एवर, तो बोलना नहीं है ना. बोल दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे को भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी. आ रहा है ऐसा कुछ, आ रहा है आपके मन में? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं सर। आ रहा. जस्ट किडिंग. जैसे अगर आपके मन में कभी किसी के लिए कुछ गलत आ भी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बोलें, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे. जरूरत से ज्यादा उसको प्रिटेंड नहीं कर रहे कि ये है वो है वट एवर, है ना. सो ऑल आई एम सेइंग इज बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, बी ऑनेस्ट, डोंट से वट एवर इज देयर ऑन योर माइंड जस्ट बिकॉज कि मेरे तो मन में जो भी आता है मैं बोल देती हूं. ठीक है, आप बोल देते हो, बट क्या आप सुनने के लिए भी तैयार हो? अपने आप से ये भी क्वेश्चन पूछना है कि मेरे मन में तो जो भी आता है मैं बोल देती हूँ, दैट्स ओके, गुस्से में जो मर्जी आप बोल देते हो, बट क्या सामने वाला भी अगर इतना ही लेवल पे जितने लेवल पे आप बोल रहे हो, क्या आप भी सुनने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं लेकिन बोलने के लिए तैयार हूं, तो गड़बड़ हो गई ना. तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने का मतलब क्या कि जैसा बिहेवियर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो उस सिचुएशन में, वैसे ही बिहेव करो सामने वाले के साथ, बस खत्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी और मेरी वाइफ की कभी कभी लड़ाई होती है, तो मैं उतना ही बोलता हूं जितना कि मैं सुन सकता हूं. अगर मुझे पता है कि इससे ज्यादा मैं सुन नहीं पाऊंगा तो मैं बोलता भी नहीं हूं, चुप हो जाता हूं. तो उससे क्या है कि एक बड़ा अच्छा एक ट्यूनिंग बन जाती है, मतलब एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. सच बोलना हर सिचुएशन में अच्छा नहीं होता है. जैसे आपने वो एग्जाम्पल भी सुना होगा कि भाई एक कसाई जा रहा था किसी को मारने के लिए, जानवर को, और किसी ने उससे पूछा, राइट, तो उसने झूठ बोला. तो वो अच्छा किया है बुरा किया? ऑब्वियसली अच्छा किया, क्योंकि किसी की जान बचा ली. तो इस तरह से लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करना होता है, तभी आप सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हो सब लोगों के साथ में.